राइट फ्रेंड्स, नाउ यू रेफर एक अपन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट अगर अपने पास हैं तो उनका रिकंसिलेशन हम कैसे करेंगे। ये एक टोटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं आपको कराता हूँ। ओके, अगर अपने पास जॉइंट प्रोडक्ट है तो उसका कैसे करेंगे रिकंसिलेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। ये किसी ने कवर नहीं किया है, किसी भी ऑथर ने या किसी भी बुक में या, लेकिन मेरे को एक दिमाग में आया कि एक जॉइंट प्रोडक्ट का भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 75 एंड दिस इज इन क्वेश्चन बुक, और सेम सम का आपको सॉल्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड आपका पेज नंबर है 12.6 इन सॉल्यूशन बुक। ओके, सॉल्यूशन बुक एंड क्वेश्चन बुक, सही है सोनो फ्रेंड। ऑलराइट, यहां से आप जरा देख लीजिए, जॉइंट प्रोडक्ट का आपका क्वेश्चन है। जॉइंट प्रोडक्ट्स का अपना क्वेश्चन है। नितिन इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू साइजेस ऑफ मशीन कंपोनेंट साइज ए एंड साइज बी, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी एंड रिकंसाइल द सेम विद द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स। द फॉलोइंग डाटा रेफर टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। साइज ए साइज बी प्रोडक्शन आपको दे रखा है 125 फॉर ए, 400 फॉर बी। सेल्स आपको दे रखा है 120 फॉर ए, 360 फॉर बी। वेजेस कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखा है 40 एंड 30। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 15 एंड 12। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 125 एंड 90। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन वेजेस एंड मटेरियल आर एनालाइज्ड अंडर द वर्क्स ओवरहेड विच ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 9000 एंड ऑफिस ओवरहेड इज 10000। इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द वर्क्स ओवरहेड शुड बी टेकन 50% ऑफ वेजेस ऑन ऑफिस ओवरहेड, 33 1/3 ऑन वर्क्स कॉस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग। ए, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ अबव ओवरहेड परसेंटेज, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक, एक्चुअल मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट प्लस द वर्क्स ओवरहेड 50% ऑन वेजेस, द रिकंसिलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट अबव द एस्टिमेटेड टोटल नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट फिगर। सही है सोनो फ्रेंड्स। ओके, स्टेप नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इज ए कॉस्ट शीट, राइट। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1 दे रखा है फ्रेंड्स आपको। दिस इज नितिन इंजीनियरिंग कंपनी, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। ओके, 31, 12 एंड 16 कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स अपने पास, टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट। साइज ए साइज बी 125 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन वेजेस एंड मटेरियल आर एनालाइज्ड अंडर द वर्क्स ओवरहेड विच ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 9000 एंड ऑफिस ओवरहेड विच अमाउंटेड टू 10000। इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट वॉज एस्टिमेटेड,
कॉस्ट शीट हमेशा क्या रहेगा, एस्टिमेटेड फिगर पे, राइट। इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द वर्क्स ओवरहेड शुड बी टेकन 50% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड 1/3 ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट शीट में आपको क्या लेना है, मेटेरियल एंड वेजेस जो एक्चुअल है वही लेना है, लेकिन इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट वॉज एस्टिमेटेड दैट वर्क्स ओवरहेड शुड बी टेकन 50% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड 1/3 ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। ओके, सो मेटेरियल कॉस्ट 15 rupees पर यूनिट, 12 rupees पर यूनिट, वेजेस डायरेक्ट वेजेस दिस कम्स टू 40 rupees पर यूनिट एंड 30 rupees पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज योर प्रोडक्शन 125, से यस नो फ्रेंड्स 125, सो 125 इनटू 15 इज 1875, 40 इनटू 125 इज 5,6875, 15 प्लस 40 इज 55, 400 into 12 is 4800, 400 into 30 is 12,000, 16800, 12 plus 30 is 42. यहां तक क्लियर हुआ करिए फ्रेंड्स, बोलो 6875, 55, 16800 and 42. नाउ यू गो टू इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या बोल रहा है, इन द फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट वॉज एस्टिमेटेड द वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क्स ओवरहेड इज वन ऑफ द सेम, वर्क्स ओवरहेड शुड बी टेकन 50% ऑफ वेजेस, 50% ऑफ वेजेस इट मींस 5000 का 50% 2500 एंड 12,000 का 50% इज 6,000 इट मीन्स 2500 डिवाइडेड बाई 125 इज 20, 6,000 डिवाइडेड बाई 400 इज 15, ये आपका हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इट मीन 6875 प्लस 2500 9375 75 एंड 16800 प्लस 6000 22800 डिवाइडेड बाय 400 57। देन एडमिन ओवरहेड अपने को बोल रहा है फ्रेंड्स टेकन वेजेज 50% ऑफ वेजेज एंड ऑफिस ओवरहेड, एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड, एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड 1/3 ऑफ वर्क्स कॉस्ट 33, 1/3% ऑफ वर्क्स कॉस्ट इट मींस 33.33% ऑफ 9375 एंड 33.33% ऑफ 22800। इट मींस 9375 डिवाइडेड बाय 3 इज 3125 प्लस 9375 इज 12500, 125 इज 100 इज 25, 22800 डिवाइडेड बाय 3 इज 7600 प्लस 22800 इज 30400 डिवाइडेड बाई 400 इज 76
माइनस 57 इज 19, सही आंसर। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे अपने पास दो प्रोडक्ट है, अपने पास टू प्रोडक्ट्स हैं, एक है अपने पास फ्रेंड्स टू प्रोडक्ट्स हैं, बोलो टू प्रोडक्ट्स हैं, एक है अपने पास ए जिसका 125 प्रोडक्शन है, बी 400 है। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो भी आपके एक्चुअल है वो आपको लेने हैं, आपको मिल जाएगा। दिस इज योर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या बोला है फ्रेंड, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन वेजेज एंड मटेरियल आर एनालाइज्ड अंडर वर्क्स ओवरहेड विच ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 9000, ऑफिस ओवरहेड विच कम्स टू 10,000. In fixing the selling price, it was estimated that the works overhead should be taken 50% of wages and office overhead 1/3 of the works cost. You are required to compute the following total cost of each unit on the basis of the above overhead percentage. ठीक है? The net profit for the year shown by financial accountant valuing unsold stock at actual material and wages cost plus works overhead 50% of the wages and the reconciliation of net profit in B above with estimated total net profit based on cost figure. सही है सुनो, तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर वन, बराबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आप आगे आ जाइए फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, ये ले लीजिए आप, ये आपका यहां तक आपका आ गया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12,500, 100 3,476 ओके, ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है लेकिन देर इज ए क्लोजिंग फिनिश गुड्स। कैसे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बना रहे हैं 125, सेल हो रहा है 120, इट मींस 5 यूनिट्स 500 रुपीस, 100 इंटू 5 यूनिट्स, यहां पे 40 यूनिट्स, इट मींस 40 यूनिट्स इंटू 76, 40 into 76 is 3040. Cost of goods sold 12,100 rupees, 3400 less 3040. 27,360 is 76. Then sales, what are your sales? 125. What are your sales? 90 less 76, 14 rupees profit. 125 minus 100, 25 profit. Number of units sold 120 into 25 is 3000. 120 into 125 is 15,000 sales. This will be your profit and loss. 90 into 360 is 32,400. Minus 27,360 will be 5,040. Say yes or no, friends. Say yes or no, friends.
ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ओके देन आप आ जाइए फ्रेंड्स स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/12/16 या नेक्स्ट पेज पे अपन ले लेते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स? बोलिए। परफेक्टली क्लियर हो। दिस इज योर व्हाट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 3000 and 5040। सही है सुनो फ्रेंड्स। देन यू गो स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/12/16 particulars rupees, particulars rupees to material to labor, material labor तो हम यहीं से ले लेंगे directly। तो मटेरियल एंड लेबर 1875 4800 1875 plus 4800 6675 टू वेजेस, टू वेजेस, वेजेस भी अपने को सेम लेना पड़ेगा 5000 and 12000 is 17000। ऑलराइट टू वर्क्स ओवरहेड, टू ऑफिस ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन वेजेस एंड मटेरियल आर एनालाइज्ड अंडर द वर्क्स ओवरहेड व्हिच ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 9000 एंड ऑफिस ओवरहेड 10000 एंड टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस बाय सेल्स। सेल्स आपको वहीं से लेना पड़ेगा सेम, इट मीन्स 15 and 32 400 15 plus 32 400 is 47 400 by closing stock refer नोट नंबर वन। नोट नंबर वन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में क्या बोला है? मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? द नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर द ईयर शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट वैल्यूइंग अनसोल्ड स्टॉक एक्चुअल मटेरियल एंड वेजेस। व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट इज 15 and 12 वेजेस इज 40 and 30 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस, इट मीन्स 20 and 15। तो पर यूनिट कॉस्ट अपना हो जाएगा 15 plus 40 plus 20 is 75, 12 plus
30 plus 15 is 57. Then size A, size B. Units unsold is 5 and 40. This is for size A and this is for size B. Okay. 75 and 57. 5 into 75, 375. 40 into 57, 2280. Plus 375, 2655. 2655. 2655, 375 and 2, and net profit will be, it means 47,400, 2655 is 50055 minus 6675 minus 17,000 minus 9,000 minus 10,000 is 7380. 7380. This will be your net profit. This will be your net profit. हम लोगों ने क्या प्रॉफिट सोचा था, 3,000 and 5,080, लेकिन हमारा प्रॉफिट क्या रहा है ये. अब सी द रिकंसिलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन बी अबव विद एस्टिमेटेड टोटल नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट फिगर. रिकंसिलेशन इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर सी. स्टेटमेंट showing reconciliation. Profit as per cost. What was the profit as per cost is 3,500,40. 3,500,40. 3,500,40 is 8,040. Go one by one. What is reconciliation? It is a statement which is showing reasons for the difference between profit as per cost sheet and profit as per profit and loss account. Profit as per cost sheet and profit as per profit and loss account. Say yes or no. Profit as per cost sheet and profit as per profit and loss account. Say yes or no, friends. First you see the material. Material cost is same. 1,875 plus 4,800. 1,875 plus 4,800. 6,675 हम लोगों ने भी क्या लिया है P&L account में, 6,675. और wages भी वही लिया. Overhead 9,000. जबकि overhead हम लोगों ने लिया है, overhead लिया है 6 plus 2,500, 8,500. तो 500 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया. कॉस्ट शीट में हम लोगों ने ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिया है, 8,500, जबकि एक्चुअल में कितना है, 9,000. सो अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 8,500 लिया है, लेना चाहिए था 9,000. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 500, उतना माइनस कर देंगे. अब आ जाइए आप, नेक्स्ट इज योर ऑफिस ओवरहेड. 3,125, 3,125, 7,600, 10,725, लेकिन हम लोगों ने लिया 10,000. P&L अकाउंट ने लिया 10,000, आ रहा है 10,725. तो ओवर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड 10,725 माइनस
10,000 will be 725. Next you go, valuation of stock 2655, right? जबकि हम लोगों ने लिया है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज 3540. हम लोगों ने ज्यादा स्टॉक का वैल्यूएशन ले लिया, राइट? इट मींस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है? 504 आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 3040 प्लस 500 3540 आपने लिया है जबकि आपको लेना चाहिए था 3540 आपने लिया है जबकि आपको लेना चाहिए था पी एंड एल अकाउंट में हम लोगों ने लिया 2655 माइनस 3540 प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस 8040 माइनस 500 प्लस 725 माइनस 885 इज 7380. सही है सर? Perfectly clear or not? Tell me, friends. Say yes or no. Perfectly clear. Okay? अब मैं आपको कभी कभी ना एक different type का भी ये लोग पूछ लेते हैं question अपने से. कभी कभी अपने से ये different type का भी एक question पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको cover up करा देता हूँ, right? कभी कभी ये लोग एकदम डिफरेंट टाइप का अपने से पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं. कभी कभी ये लोग बोलते हैं नहीं अकाउंट बना के बताइए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट. जैसे हम लोग एड लेस कर रहे हैं ना, ऐसे हम लोग क्या अकाउंट बना के भी हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके? और मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूं, पी एन एल अकाउंट से लेके भी बता देता हूं और कॉस्ट रिकॉर्ड से लेके भी बता देता हूं. पी एन एल मतलब जो चीजें डिडक्ट करनी है वो लेस कर दो, जो एड करनी है वो एड कर दो करके ना. देखो जरा अपना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 76 इन क्वेश्चन बुक. क्वेश्चन नंबर 5 एंड सॉल्यूशन बुक में है 12.7. सॉल्यूशन बुक क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 12.7. देखेंगे फ्रेंड्स द नेट प्रॉफिट. देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 76 द नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी अमाउंटेड टू 285,000 व्हाइल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 388,600. On reconciling the following differences were noticed. The following items were included in the financial books. Director's fees, bank interest, income tax, bad and doubtful debts 5,700 written off in financial books. Overhead in cost account absorbed 85,000 while the actual is 83,200. A net loss of 10,000 on sale of old machinery dealt with financial books. Reconcile the profit between cost and financial accounting. ऐसे तो हम इसको स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं एडलेस करके, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं इसमें कि हाउ टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलेशन अकाउंट. क्या बोलेंगे फ्रेंड इसको? मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट मीन्स हमेशा आपका अकाउंटिंग फॉर्म में बनेगा ये. दिस इज योर डेबिट साइड क्रेडिट साइड रुपीस पर्टिकुलर्स एंड
रुपीज. सही है सुनो फ्रेंड्स, द नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट इज 285 व्हाइल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट. इट मीन्स बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज 388,600. क्या दे रखा है आपको 388,600. नाउ द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल बुक्स. फाइनेंशियल बुक्स में लिए, कॉस्टिंग में नहीं लिए. डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस डेबिट किया है पी एंड एल अकाउंट में, हम लोगों ने डेबिट नहीं किया. अगर हम डेबिट करते तो हमारा प्रॉफिट कम होता था, बोलो कॉस्टिंग में कम होता था, तो कम कर दो. तो टू डायरेक्टर फीस एंड दिस कम्स टू 6,500. डायरेक्टर फीस 6,500. बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट इज नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम, ओके, अदर इनकम हो गया. बैंक इंटरेस्ट इसका मतलब क्रेडिट किया है पी एंड एल अकाउंट में, हम लोगों ने क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर लेंगे. बाय बैंक इंटरेस्ट, व्हाट इज द बैंक इंटरेस्ट इज 300. इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स नॉट ए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट. पी एंड एल अकाउंट में लिया है, कॉस्ट शीट में नहीं लिया है. इसका मतलब टू इनकम टैक्स, टू इनकम टैक्स, व्हाट इज द इनकम टैक्स इज 83,000. बैड एंड डाउटफुल टैक्स, बैड एंड डाउटफुल टैक्स रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक्स, टू बैड डेट्स इज 5,700. ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटेंट में 85,000 एंड जबकि एक्चुअल ओवरहेड 83,200. 85 था हम लोगों ने लिया लेकिन एक्चुअल में क्या था 83,200. तो बाई ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, हमने ज्यादा लिया था कॉस्ट शीट में तो बढ़ा देंगे. कितना बढ़ा देंगे, इट मींस 85 माइनस 83,200. 85 माइनस 83,200 इज 1800. देन बैड डेट्स 5,700, वो अपना हो गया, ओवरहेड हो गया. नेट लॉस 10,000 ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी. मैंने आपको क्या बताया था, इन कॉस्ट शीट वी कंसिडर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज प्योरली और एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशन, राइट. तो हम लोग ने 10,000 का जो लॉस है वो पी एंड एल में तो लिया है, कॉस्ट शीट में नहीं लिया. टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज 10,000, राइट. एंड दिस इज टू नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, क्या आ जाएगा 2,85,000. ये टैली होना ही चाहिए. इट मीन्स 388,600 प्लस 300 प्लस 1800 इज 390,700. ये भी आपका आना चाहिए 390,700. 6500 83,000 5700 10,000 285. Oh, sorry, this is profit is 285,500. Correct. This is 285,500. 285,500. Okay, देखो जरा. प्रॉफिट एज पर पी एन एल अकाउंट अपने को दे रखा 285,500. 285,500 चेक कर लीजिए आप. 6500 83,000 5700 10,000 285,500 397. सही है सर. तो ये हम लोगों ने किस पे किया था, एज पर कॉस्टिंग हम लोगों ने लिया था, एज पर कॉस्टिंग हम लोगों ने लिया था, राइट. ये हम लोगों ने किस पे किया था, एज पर कॉस्टिंग.
मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, ये हमने किस पे किया था, एज पर कॉस्टिंग हम लोगों ने किया था। सही है सर। सही है सर। अब इसी को हम किस पे ले सकते हैं, पीएनएल अकाउंट लेके भी बना सकते हैं, राइट। इट मींस दिस इज योर मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट से भी हम लोग बना सकते हैं। इट मींस रुपीज बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 285,500। ओके अब हमको कॉस्टिंग तक लेके चलना है 3,88,600। डायरेक्टर फीस 6,500। डायरेक्टर फीस वी हैव डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी कम हो गया है, पीएनएल अकाउंट में हमने डेबिट किया है, कॉस्टिंग में नहीं किया, तो यहां पे ऐड करना पड़ेगा बाय डायरेक्टर फीस 6,000। एक एक लॉजिक को आप जरा समझिए करके ना फ्रेंड्स। बैंक इंटरेस्ट वी हैव ऑलरेडी क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट, हमारा पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया। बैंक इंटरेस्ट वी डोंट कंसीडर इन कॉस्ट शीट, इन कॉस्ट शीट वी कंसीडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज प्योरली एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशन। बैंक इंटरेस्ट इन्होंने क्रेडिट किया है बराबर, पीएनएल अकाउंट ने क्रेडिट किया है, कॉस्टिंग ने नहीं किया, तो आपको डेबिट मानना पड़ेगा टू बैंक इंटरेस्ट and this comes to 300. We have debited the income tax. Income tax already debited in P&L account. तो हमारा P&L account का profit कम हो गया होगा, कम हो गया तो बढ़ा देंगे by income tax 83,000, by income tax 83,000. Bad and doubtful debts, written on financial. Financial में हम लोगों ने debit किया है, financial में हम लोगों ने debit किया है, फाइनेंशियल में हमने डेबिट किया है, लेकिन कॉस्टिंग में हम लोगों ने नहीं लिया बराबर, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया तो बढ़ा देंगे बाय बैड डेट्स 5,700, बाय बैड डेट्स 5,700। ओवरहेड कॉस्टिंग में 85 लिया है, एक्चुअल 83,200 लिया, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ गया तो कम कर देंगे टू ओवरहेड्स, कितना है इस 83,200 लिया है, कब के लेना चाहिए था 85, 83,200 लेस 85 इज 1800। ए नेट लॉस ऑफ 10,000 ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 10,000, राइट, ऑलरेडी हमने वो किया था। ओके एंड टू प्रॉफिट एज पर कॉस्ट इज 3,88,600। इट मीन्स 285,500, 83,570, 10,390,700 and 300, 388, 600, 390। This is clear. ये मैंने आपको मतलब आपको एक ही मेथड से करना है, आपको यही वाले मेथड से करना चाहिए था, ये वाला आपको करना है ये, है ना, लेकिन मैंने आपको इससे भी करा दिया करके ना।
मैंने आपको इससे भी करा दिया। फिर पीएनएल अकाउंट से करना है तो यू स्टार्ट विद द पीएनएल अकाउंट, ओके। जो पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी डेबिटेड है उनको क्रेडिट कर लेंगे, जो क्रेडिटेड है उनको डेबिट कर देंगे। और कॉस्टिंग में जाना है तो कॉस्टिंग के ऊपर इफेक्ट देखना है आपको, कॉस्टिंग में जो नहीं लिया है उनको ले लेंगे और कॉस्टिंग में जो ले लिया है उनको क्रेडिट कर देंगे, ओके। आपको और एक अच्छा सम कराता हूं जहां पे अपन लॉस से स्टार्ट करेंगे, तो उल्टा सोचना पड़ेगा आपका कि इसका इफेक्ट लॉस के अनुसार क्या होगा। इज दिस क्लियर और नॉट फ्रेंड? ये आपको एक ही मेथड से करना है, ओनली कॉस्टिंग रिकॉर्ड से। मैंने आपको ये दोनों से करा दिया ताकि कि आपको प्रैक्टिस में थोड़ा मजा आए करके ना फ्रेंड्स। ऑलराइट, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 76 इन क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 12.7 इन सॉल्यूशन बुक। सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आप जरा देखिए क्या बोलना चाह रहा है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज्ड ए नेट लॉस ऑफ 347 एच पर कॉस्ट। नाउ लॉस वाला है, हाँ ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉस 347,000 एच पर कॉस्टिंग। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज्ड ए नेट लॉस ऑफ 347,000 एच पर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। द फाइनेंशियल अकाउंट्स हाउएवर डिस्क्लोज्ड ए नेट लॉस ऑफ 5,10,000। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोल रहा है कि भाई हमको लॉस है 5,10,000 एज पर पीएनएल अकाउंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज रिवील्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द फिगर ऑफ द बोथ द सेट्स। ये आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको मेमोरेंडम रिकंसिलेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे पूछा है। अब आप स्टेटमेंट नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में आप स्टेटमेंट भी बना सकते थे और मैंने अकाउंट भी बना के आपको बता दिया। स्टेटमेंट वो एड्रेस वाला भी आप कर सकते थे, बराबर, ये दोनों चलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी उन लोगों ने बोला है कि यू प्रिपेयर द मेमोरेंडम, तो आपको मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। सही है सर, परफेक्टली क्लियर होगा। देखो जरा, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, ओके, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, अब देखो आपको क्या दे रखा है, नेट लॉस एच पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, टू लॉस एच पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज 347। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, अगर हम लोग बराबर से, अंडर मींस कम एब्जॉर्ब किया है, कॉस्टिंग में कम एब्जॉर्ब किया, अगर बराबर से एब्जॉर्ब करते तो हमारा लॉस और बढ़ता था। तो टू अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बाय 40,000। अगर हम बराबर से करते तो हमारा लॉस और इंक्रीज होता था करके ना। एडमिन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, एडमिन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब मींस ऑलरेडी हमारा लॉस बढ़ गया तो कम कर देंगे बाय एडमिन ओवरहेड इज 60,000। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 325, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 275।
325 की जगह 275, 50,000 कम लिया, 50,000 कम लिया, तो हमारा लॉस कम आया, कम आया तो लॉस को बढ़ा देंगे, टू डेप्रिशिएशन इज 275 माइनस 325 इज 50,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड, इनकम है, हम लोगों ने कॉस्ट शीट में इनकम नहीं लेते, इसके लिए लॉस बढ़ गया तो कम कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 96,000। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, हम लोगों ने कॉस्टिंग में नहीं लिया इनकम टैक्स, लेते तो और लॉस बढ़ता था, टू इनकम टैक्स एंड व्हाट इज द इनकम टैक्स इज 54,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फंड इन फाइनेंशियल, इंटरेस्ट ऑन लोन फंड इन फाइनेंशियल, ओके, टू इंटरेस्ट ऑन लोन फंड 245। सही है, सुनो, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस क्रेडिट किया है पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल में, तो हमारा लॉस तो बढ़ा हुआ है, तो अगर हम क्रेडिट करते तो कम हो जाता, तो बाय ट्रांसफर फीस एंड ट्रांसफर फीस इज 24,000 बाय स्टोर्स एडजस्टमेंट इज 14,000। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट किया है फाइनेंशियल में, क्रेडिट किया है फाइनेंशियल में, तो फाइनेंशियल की इनकम बढ़ गई, हमने तो नहीं क्रेडिट किया, हम कम क्रेडिट करते तो हमारा लॉस कम होता था, इसके लिए क्रेडिट कर दिया। डिविडेंड रिसीव्ड बाय डिविडेंड रिसीव्ड, व्हाट इज द डिविडेंड रिसीव्ड, 32,000, ओके, दे हैव क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट, वी हैव नॉट, तो हमारा लॉस बढ़ गया तो कम करेंगे बाय लॉस एज पर पीएनएल 347 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 54 245 7,36,000 7,36,000 माइनस 5,10,000। सही है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, वो बताइए आप प्लीज परफेक्टली। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉस लिया, लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बराबर। फिर हमने देखे, अब अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, हम बराबर से रिकवर करते तो हमारा लॉस बढ़ता था, ओवर रिकवरी है, लॉस ऑलरेडी बढ़ चुका है तो कम करेंगे, डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया तो लॉस कम आया, तो बराबर करेंगे तो बढ़ जाएगा लॉस, बराबर। इनकम टैक्स अगर चार्ज करते थे तो और लॉस बढ़ जाता था, इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉस बढ़ जाता था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लिया तो लॉस बढ़ गया तो कम होगा लॉस हमारा, क्योंकि ये इनकम है, ये ट्रांसफर फीस इनकम है, स्टोर एडजस्टमेंट इनकम है, डिविडेंड इनकम है ये आपका, सो दैट इज द फैक्ट, ओके फ्रेंड्स, इतना प्रिवाइज करिए, ओके, थैंक यू।